बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर कस्टमर, मारिया बी का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग आर्टिकल आपके सामने लेके हैं। सेम एज ओरिजिनल पैटर्न पे उसको रेडी किया है, ठीक है, जिस तरह ओरिजिनल बना हुआ था सेम एज इट इसको बनाया है। लॉन पे पूरा आर्टिकल है, अनफोल्ड किया है। ओरिजिनल में जो है पैनल्स में था, ये अलग पैनल था, ये अलग पैनल था, ये अलग पैनल था। हमने तीनों पैनल्स को आपस में ज्वाइन किया है इस लेस के साथ। ये लेस भी ओरिजिनल सूट के अंदर नहीं है, ठीक है। ये जो लेस है ये पूरा 3D लेस लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फैब्रिक के साथ लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह ये पूरी 3D लेस जो है ये हमने आपको लगा दी है फैब्रिक पे। इसी तरह ये भी लेस लगी हुई है, एक लेस ये लगी हुई है, बिल्कुल सेम एज ओरिजिनल पैटर्न पे इसको रेडी किया है। इसी तरह यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी 3D ये लेस लगी हुई है इसके, ठीक है। ये जो है लॉन का हिस्सा है, इसके ऊपर पूरा कटवर्क हुआ हुआ है जैसा ओरिजिनल में था। कटवर्क सेम एज इट इज़ पूरा जो है कटवर्क करके इसको रेडी किया, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, जो भी आपको बनाना होगा इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेन्जा की नेक लाइन है, ठीक है। ये लेस के नीचे एक ऑर्गेन्जा की ये पूरी नेक लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पर भी जो है वो 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, पल्स लगे हुए हैं। ये पूरी जो है एक नेक लाइन है, ठीक है। इसके बाद जो है ये लेस भी दी गई है, पूरी हैंड एम्बेलिश लेस है। इसके ऊपर पूरे पल्स जो है हाथ से और मशीन से लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है पूरी हैंड एम्बेलिश 1 यार्ड की नेक लाइन के लिए लेस दी गई है, ठीक है। नीचे जो है ये नेक लाइन मैंने रखी है ऑर्गेन्जा पे, ये आप एप्लीक कराएंगे। नीचे पूरा हैंडवर्क हुआ वो एम्ब्रॉयडरी और लेसेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये पूरा वन पीस में हम आपको दे रहे हैं कि आप एक दफ़ा देख लें। आतिशी पिंक कलर है, हो सकता है कैमरा में शायद थोड़ा बहुत आपको कलर में वेरिएशन नज़र आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल जो है आतिशी पिंक है। इसके बाद एक दामन का बॉर्डर है, ठीक है, ऑर्गेन्जा पे। इस पर भी ये पूरे 3D फ्लावर्स आप लगे हुए हैं, ठीक है, पल्स के साथ, मशीन के साथ ये पल्स लगते हैं ताकि ये निकले नहीं, ठीक है, बहुत मजबूत होते हैं। ये सारा जो है फ्रंट और बैक के लिए सेम ये लेस दी गई है पूरी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्लीव्स की, तो स्लीव भी जो है वो पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। लॉन पे पूरी स्लीव्स है, ये एक स्लीव मैं आपको दिखा रहा हूँ इतनी बड़ी, इसके पीछे इसकी दूसरी स्लीव भी है, ठीक है। इसके बाद एक ये ऑर्गेन्जा की लेस है स्लीव्स के लिए, इस पर भी जो है ये 3D फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी 1 यार्ड की पूरी लेस दी गई है ऑर्गेन्जा पे, ठीक है। इसके बाद बैक जो है प्लेन है, ठीक है, आपके सामने बैक है। और बैक के लिए जो है मैंने दामन की लेस आपको 3D फ्लावर्स वाली जो बताई थी वो सेम है। इसके साथ ही इसका ट्राउज़र है सेम, ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटी में काम करते हैं, हल्की क्वालिटी का फैब्रिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। इतने हैवी सूट के अंदर अगर हल्की क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है काम करने का, तो हल्की क्वालिटी में काम ही नहीं करते सिरे से, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं दुपट्टे की, पूरा दुपट्टा रेडी टू वेयर है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग है ये इसके ऊपर, ठीक है, जिस तरह ऑरिजिनल में आया था उसी तरह 4 साइड लेस लगा के आपको दे दिए, ठीक है। ये लेस भी ओरिजिनल में नहीं आती। प्लस एक चीज़ और भी आपको बता दूं, इसके अंदर पिक्चर के अंदर ये लेसेस आपको नज़र आ रही हैं, ओरिजिनल में ये लेसेस नहीं दी गई, ये आपने खुद लगानी होती, ठीक है। अगर आपने लगानी तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो हमने गैप्स बीच में मौजूद हैं प्रिंटिंग के, ठीक है। आप चाहें तो उसको और ख़ूबसूरत मज़ीद दुपट्टे को बना सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही, अच्छा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ठीक है, ये ऑर्गेन्जा का स्क्रीन प्रिंटिंग दुपट्टा है, ठीक है। और 4 साइड इस पर हमने आपको लेस लगा के दे दिए। एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें, जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है सेम एज इट इज़ ही आपको डिलीवर होगी। 42 तक इसकी लेंथ ईजीली बन जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ जैसी दिखा रहे हैं वीडियो में, इस चीज़ की गारंटी है, जो चीज़ दिखा रहे हैं वही चीज़ आपको डिलीवर भी होगी। थैंक यू।